सह्याद्री के जंगलों में बसी यह अनोखी तिगड़ी, इस तक पहुंचने के लिए आपको पार करना पड़ता है घने जंगल। ये पहाड़ आपकी क्षमता और सहन शक्ति का हर एक चरण पर परीक्षा लेगा। ये है सह्याद्री का सबसे डिफिकल्ट ट्रैक। ये है AMK। आज के इस वीडियो में आप बहुत सारे खूबसूरत लैंडस्केप्स एंजॉय करोगे और उसी के साथ ही AMK ट्रैक का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस व्लॉग में मिल जाएगा, तो ये व्लॉग आखिर तक ज़रूर देखना। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम जा रहे हैं अलंग मदन और कुलंग ट्रैक करने के लिए, जो कि महाराष्ट्र का सबसे डिफ़िकल्ट ट्रैक माना जाता है। तो आज हम आए नासिक में और यहाँ से हम ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने ऑलरेडी ट्रैक स्टार्ट किया है और इट इज़ 8 AM राइट नाउ। तो आज का सबसे पहला टास्क ये है कि हम पहले अलंग को असेंड करेंगे। असेंड करते करते हमें आधा दिन तो वहीं पे हमारा चला जाएगा। उसी के बाद हम रैपल डाउन करेंगे लंच करके, और फिर मदन पे असेंड करेंगे। तो ये आज का कुछ टास्क है, तो चलिए देखते कैसा होता है। अभी ये जो ट्रैक है ये ऑलमोस्ट 20-25 किलोमीटर्स का ट्रैक है, रेंज ट्रैक बोलते हैं इसे। इसे हम 2 दिन में ख़त्म करते हैं और इसकी डिफ़िकल्टी लेवल बहुत मतलब हाई है। इसे डिफ़िकल्ट ट्रैक माना जाता है। और हमने ये ट्रैक ना सामराट बेस विलेज से स्टार्ट किया है। जैसे ही आप ट्रैक स्टार्ट करते हो, आपको पहले एक फॉरेस्ट एरिया मिलेगा। उस फॉरेस्ट एरिया को क्रॉस करने के बाद आप एक प्लेटू पे पहुंचोगे। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये प्लेटू है। अभी यहाँ से हम अपना असेंट स्टार्ट करेंगे, जो बहुत डिफ़िकल्ट होगा। अलंग मदन कुलंग महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में सह्याद्री के कलसुबाई शिखरों में स्थित है, और इन पहाड़ों की ऊंचाई लगभग 4,900 फीट है। हमने ट्रैक साम्राज्य बेस विलेज से स्टार्ट किया। घाटघर डैम से होते हुए घने जंगलों को पार करके हम एक प्लेटू की ओर पहुंचे, और उसके बाद शुरू हुई अलंग चढ़ने की तैयारी। तो गाइस, हमने ट्रैक नीचे से स्टार्ट किया था यहाँ से, और ये प्लेटू है। यहाँ पे हम पहुँचे और यहाँ से अभी पूरा घूम के इसके पीछे से होके ये वाले फोर्ट पे जाएंगे। तो और मेरे सामने सारे माउंटेन रेंजेस दिख रहे हैं। अगर ये फ्लैट वाला पोर्शन देख रहे हो बहुत पीछे, तो वो रतनगढ़ है जो मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखना, आपको अच्छा लगेगा। और उसे वैली ऑफ फ्लावर्स भी बोलते हैं महाराष्ट्र का। तो वहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप्स के फ्लावर्स ब्लॉसम्स होते हैं, तो आप भी ज़रूर विज़िट करना रतनगढ़ को। और अगर आपकी इच्छा है और आप में वो विल पावर है करने की ट्रैक, तो AMK भी आप कर सकते हो। बट AMK मैं बिगिनर्स को सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। इसमें कुछ कुछ टेक्निकल पैचेस हैं जिसमें आपको रैपल डाउन करना पड़ता है। उसके लिए आपको थोड़ा बहुत ट्रैक का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
ये जगह मुंबई से 145 किलोमीटर और पुणे से 175 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप मुंबई से आना चाहते हो तो आप सेंट्रल लाइन से लोकल पकड़कर कसारा स्टेशन पहुंच सकते हो और वहां से आप लोकल जीप लेकर अंबेवाड़ी विलेज या साम्राज विलेज आ सकते हो। और अगर आप पुणे से आ रहे हो तो आप इंद्रायणी ट्रेन से कल्याण पहुंचकर वहां से लोकल ट्रेन पकड़कर कसारा तक आ सकते हो। सो गाइस, अभी हम अलंग ट्रैक असेंड कर रहे हैं। आप देख सकते हो ये अलंग का रूट है, ये है अलंग फोर्ट यहाँ पे, और ये है मदन और ये है कुलंग। तो फर्स्ट हम अलंग से होके पूरा ये पैच कंप्लीट करेंगे, फिर मदन पे जाएंगे और मदन से नीचे उतर के फिर कुलंग पे जाएंगे। तो काफ़ी एडवेंचरस ट्रैक होगा ये, तो स्टे ट्यून। ट्रैक स्टार्ट करने के लिए आपके पास तीन बेस विलेज के ऑप्शंस हैं। तो उसमें से पहला है साम्राज बेस विलेज, जो कि घाटघर डैम से होते हुए जाता है, जो कि हमने चुना था। दूसरा है अंबेवाड़ी और तीसरा है कुरुंगवाड़ी। अगर आप ट्रैक साम्राज विलेज यानी घाटघर डैम से स्टार्ट करते हो तो आप अलंग मदन कुलंग इस ऑर्डर में ट्रैक स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप कुरुंगवाड़ी से ट्रैक स्टार्ट करते हो तो आपको पहले कुलंग मदन और फिर अलंग इस ऑर्डर में ये ट्रैक कंप्लीट करना होगा। तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ट्रैक थोड़ा डिफिकल्ट होता जा रहा है और थोड़ा स्टीप भी है। अभी आई थिंक 11:30 कुछ बज चुका है और हमने अभी तक अलंग कवर नहीं किया है। हमें एक्चुअली 11 to 12 के बीच में अलंग के ऊपर होना चाहिए था, बट ये देखो हमने अभी तक आधा पैच ही कंप्लीट किया है। काफ़ी डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, हम देख सकते हो ये प्रॉपर डाउन पैच है, फिर सामने ये माउंटेन रेंजेस। तो गाइस अभी आप देख सकते हो ये जो पैच मैं चल रहा हूँ ये काफ़ी डेंजरस है, क्योंकि एक साइड पूरा क्लिफ है, अगर एक भी गलती हुई तो पैर फटक जाएगा और अब नीचे। अभी आप देख सकते हो ये सारे जो स्टोन्स हैं कार्व्ड स्टोन्स हैं, और मुझे लगता है ये भी जो रूट हुआ करता होगा वो भी ब्रिटिशर्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। यहाँ पे एक टनल भी है, टनल नहीं गुफा बोल सकता हूँ, मेरे पीछे यहाँ पे ऊपर ये देखो। अगर आप आ रहे हो और अगर आपको ट्रैकिंग ग्रुप के साथ नहीं आना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर्स दे दिए विलेजर्स के, तो आप पर्सनली उनसे कांटेक्ट करके अगर आप 3 या 4 लोग भी हो तो आ सकते हो। ये लोकल्स आपसे कुछ फीस लेके आपको ट्रैक अरेंज करके दे देंगे।
ये ट्रैक एक्चुअली आप अकेले नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ पे रैपलिंग का जो पैच है थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसलिए ये रेंज ट्रैक किसी को भी अकेले करना ये अलाउड नहीं है या नहीं करना चाहिए, मैं ऐसे कहूँगा, क्योंकि डेथ्स भी हो सकती है क्योंकि इतना स्टीप क्लाइंबिंग है। अभी जो आगे का पैच में मैं कवर करूँगा, देखते रहना। वो हम अलंग पीक के टॉप पर पहुँच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पत्थर से बनी पानी की टैंक है। यहाँ टोटल 11 वाटर टैंक्स है। ये वाटर टैंक काफ़ी सोच समझ कर बनाई गई है। जब पहाड़ की चोटी पर बारिश होती है तो ढलान पानी को टंकी तक ले आती है। ये वाटर टैंक स्टेप वाइज बनाई गई है ताकि हर एक टैंक भर जाए और पानी की टंकी साल भर हमेशा भरी रहे। तो ये बहुत सही आर्किटेक्चर है। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए आई थिंक ये वाटर टैंक डिज़ाइन किया गया है। और ये वाटर टैंक एक्चुअली समर्स में भी फिल्ड रहता है वाटर से, और ये वाटर ड्रिंकेबल है। आप देख सकते हो यहाँ पे लोग पानी फिल कर रहे हैं। तो ये प्रोबेबली एक राजवाड़ा हो सकता है जहाँ पे एक राजा रूल करता होगा, और ये उसका पैलेस या कोई एक रूम होगा। सब डिस्ट्रॉयड है अभी। यहाँ पे वाटर टैंक्स देख के ऐसा लगता है कि डिस्ट्रॉय होने से पहले फोर्ट में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हुआ करती होगी, क्योंकि यहाँ पे मोर देन 16 वाटर टैंक्स हैं जो कि अपने आप फिल हो जाता है, और समर्स में भी यहाँ पे पानी अवेलेबल होता है फुल, और ये पानी अभी भी पीने लायक है। अलंग मदन कुलंग को पार करना सबसे कठिन ट्रैक में से एक माना जाता है, और इसका कारण भारतीय स्वतंत्र सेना और अंग्रेज़ों के बीच की लड़ाई है। बहादुर स्वतंत्र सैनिक राघोजी बंगारे, इनका इतिहास इस किलो से जुड़ा है। ब्रिटिशर्स को मुँह तोड़ जवाब देकर और खुद की जान बचाकर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ और विरोध करने के लिए ये क्रांतिकारी यही किलो की पनाह लिया करते थे। और जब अंग्रेज़ों को इस जगह के बारे में पता चला तो उन्होंने भारी तोहफों से किले की सीढ़ियों को नष्ट कर दिया, और इस तरह आज़ादी के बाद ये किलो को अनसुना कर दिया गया, जिससे किलो की स्थिति खराब होती गई। यही कारण है कि अलंग मदन कुलंग महाराष्ट्र राज्य के सह्याद्री क्षेत्र में ट्रैकिंग के लिए सबसे कठिन है। शिवाजी महाराज के काल के बाद अलंग मदन और कुलंग पर मुगलों ने राज किया, पर सन 1716 में पेशवा ने मुगलों से ये किला वापस जीत लिया, जिसमें ये किला वापस मराठा साम्राज्य में शामिल हो गया। सन 1898 में मराठाओं और अंग्रेज़ों के बीच लड़ाई हुई, जिसमें मराठा हार गए और अंग्रेज़ों ने इस किले की हिरासत ली। तो गैस अभी लंच हो चुका है, और अभी अलंगगढ़ भी हमने एक्सप्लोर कर लिया है तो वो कंप्लीट हो गया। अभी मदनगढ़ के पास हम निकल रहे हैं। मदनगढ़ जाने के लिए आई गेस 2-2.5 आवर्स ही लगेंगे, और अभी ट्रैक का सबसे डिफ़िकल्ट और एक्साइटिंग पार्ट स्टार्ट होगा, जो कि रैपलिंग। हम रैपल करके ऊपर चढ़ेंगे और वहाँ पर स्टे करेंगे आज के दिन के लिए, और वहाँ से सनसेट देखेंगे, और फिर कल सुबह होते ही हम रैपल करके डिसेंड करेंगे और कुलंग पे जाएंगे। तो लेट्स गो। हाँ, और इस साइड हो जाए, अब इस साइड हो जाए। डांस डांस डांस।
टेंशन मत लो, ऐसी उल्टा उल्टा तो अभी एटलीस्ट हमें 2 आवर्स लगे, काफ़ी भीड़ थी अलंग फोर्ट डिसेंड करने के लिए। अभी आपको दिख ही गया होगा कैसा था रैपलिंग। तो अभी मदनगढ़ के ऊपर जा रहे हैं, मदनगढ़ असेंड करेंगे। तो गाइस अभी हमने जितना डिसेंड किया है अभी अपने वीडियो में देखा, उतना ही अभी हमें असेंड करना है। तो अभी इस झाड़ियों के बीच से जाके हमें क्लाइम करना है पूरा। तो ये वाला पैर थोड़ा ट्रिकी है और यहाँ पे रुकना मना है क्योंकि यहाँ पे सारे पत्थर गिरे हुए हैं। ये देखो, ये डायरेक्ट क्लिफ। और गाइस यहाँ पे इस ट्रैक पे लेपर्ड स्पॉट होना काफ़ी कॉमन है। मतलब लोगों ने, जिन्होंने भी एम के किया है उन्होंने लेपर्ड्स कई बार स्पॉट किए या फिर वाइल्ड लाइफ यहाँ पे बहुत दिखती है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कोई आता नहीं है। और आप देख सकते हो नीचे पूरा घना जंगल है, तो एनिमल एक्टिविटी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। हमने अलंग फोर्ट तो कंप्लीट कर लिया था, बट उसके बाद आगे जो होने वाला था हमने कभी नहीं सोचा था। ट्रैफिक इतनी हो गई है कि अभी ऊपर जाने के लिए रात हो गया आज। भाई इधर ही बैठे आते अभी रात के 8:30 बज चुके हैं और हम अभी भी यही पतली सीढ़ी पर बैठे हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। एक गलती और सब नीचे।